हेलो गाइस, देख सकते हैं आज हम लोग एक हिटाची की सर्विस करने आए हैं, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री में लगा हुआ है। ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पे वर्क करती हैं, जैसे कि स्वेटर वगैरह बुनती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इसके रेसे वगैरह उड़ के, जो उसकी कूलिंग कॉइल होती है उसको जाम कर देते हैं। इसके वजह से इसमें कूलिंग वगैरह नहीं आ रहा है, और जो वाटर ड्रेनेज होता है वो भी नहीं हो रहा है, और आगे से इसके वाटर लीकेज हो रहा है। तो देख सकते हैं, इसका हम लोग पहले कैबिनेट खोल रहे हैं। उससे पहले सारा इसका नट वगैरह खोल लेंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे वो वाटर ड्रेनेज हो रहा है, देख सकते हैं लीकेज हो रहा है आगे की तरफ से। तो इसका कैबिनेट हम लोग खोलेंगे सबसे पहले तो, और जो ये डीपली सर्विस करनी है इसकी, तो देख सकते हैं सबसे पहले इसका हम लोग कैबिनेट उतार लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग कैबिनेट उतार लेंगे, और इसमें वाटर ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से इनका जो कपड़ा था ख़राब हो रहा था, और जो नए नए पीस होते हैं वो भी ख़राब हो रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा इसमें डस्ट भरा हुआ है, जो कि इसके जो रेसे होते हैं कपड़े के, वो जाके इस पे चिपक जाते हैं और कूलिंग कॉइल को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। इसी की वजह से जो इसका एयर का फ्लो है वो नहीं आ पाता है, और कूलिंग वगैरह भी नहीं हो रहा है, और वाटर लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो देख सकते हैं सारा एसी वाटर से गीला हुआ पड़ा है, देख सकते हैं आगे की तरफ से पूरा पानी चू रहा था, और हम लोगों ने इसको उतार लिया। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कूलिंग कॉइल है वो देख सकते हैं आप कितना जाम है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग जो पाइप होता है इसको हम लोग बंद करेंगे टेप से, ताकि इसमें वाटर वगैरह और कोई डस्ट वगैरह ना आ जाए, हमारा सेफ रहे, नहीं तो हमारा कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। जो इसके पार्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं जो डैमेज होने वाले होते हैं, उसको हम लोग पहले तो खोल लेंगे। इसका देख सकते हैं सेंसर वगैरह और पीसीबी वगैरह, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं उसको हम लोग खोल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका पीसीबी बॉक्स है, जो कि यहाँ मोटर से अटैच है इसकी वायर, तो इसको हम लोग खोलेंगे सबसे पहले। तो देख सकते हैं ये नट खोलने में बहुत ही आसान होता है इस तरीके का मशीन। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा पार्ट्स हमने अलग कर दिया है। ये इसकी ट्रे है, और इसका कूलिंग कॉइल है देख सकते हैं, और इसका ये आउटडोर है। तो देख सकते हैं इसको भी हम लोग खोल लिए हैं, और इसका जो गैस होता है वो स्टोर कर लिए हैं, ताकि हम लोग फिर से इसको रिलीज़ कर सकें और कूलिंग का बेहतर आनंद ले सकें। देख सकते हैं इसका जो ब्लोअर है ये है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है पूरा हम लोगों ने खोल दिया है, खोल के अलग कर दिया, ताकि इसमें वाटर वगैरह छीटा वगैरह कोई पानी का ना आ जाए, ताकि हमारा ये पीस भी जो होता है सेफ रहे। इसी तरीके से इसको अलग अलग पार्ट्स कर लेंगे। देख सकते हैं ये सारा कॉइल वगैरह सारा कुछ हमने अलग कर लिया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है आप, तो इसको डीपली सर्विस करेंगे। देख सकते हैं इसको पूरी अच्छी तरीके से डीपली सर्विस, आगे पीछे तो पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो इनका जो कूलिंग का प्रॉब्लम है और जो वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं कितना काला काला डस्ट निकल रहा है, तो बहुत सारे इसमें डस्ट भरे हुए, और कूलिंग कॉइल के ऊपर देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग आ रहा है जब हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, और इनके साइड में कुछ काला सा वो राख वगैरह गिरा हुआ है, उसके वजह से वो जब उड़ता है उसमें काला काला जाके बैठ जाता है कूलिंग कॉइल पे, देख सकते हैं। और कुछ इसमें कपड़े के रेसे हैं, जो कि उसके वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग कॉइल को प्रॉब्लम होता है, एयर नहीं पास हो पाता है। देख सकते हैं इस तरीके से अगर डीपली सर्विस कर देते हैं तो हम लोग का जो एसी होता है बिल्कुल नए की तरह वर्क करता है। देख सकते हैं कूलिंग कॉइल एकदम चमचमाता हुआ नए की तरह दिख रहा है, जैसे नया एसी होता है उसी तरीके से ये कूलिंग कॉइल चमक रहा है, और आगे पीछे से अच्छी तरीके से हम इसको क्लीन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा डस्ट निकल रहा है, आप खुद देख सकते हैं, और जब कूलिंग कॉइल पे जो पानी पड़ रहा है तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा शाइनिंग आ रहा है, जो नए की तरफ फील हो रहा है कि हमारा एसी नया हो रहा है।
तो देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम लोग सर्विस कर देते हैं एसी की, तो एसी की लाइफ बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाती है और कूलिंग कॉइल भी अच्छी तरीके से चमक गया देख सकते हैं, और कूलिंग भी अच्छा करने लगता है और हमारा एसी नए की तरह वर्क करता है देख सकते हैं। अब जो इसका ट्रे होता है उसको हम क्लीन कर रहे हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें डस्ट लगा हुआ है। जो इसका जो नालियाँ होती हैं, जो पानी का जो आगे और पीछे बनी होती है ट्रे, उसमें जाके मिट्टी का जो कचरा होता है भर जाता है। इसी के वजह से हमारा जो वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हमारा मिट्टी से भर जाएगा तो उसमें पानी जो गैप रहे नहीं जाता है, तो इसी की वजह से हमारा जो पानी होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो देख सकते हैं इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे हो, कचरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा निकल रहा है इसके अंदर से, देख सकते हैं कितना मोटा मोटा कचरा है। इसी के वजह से जो हमारा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम था इसी के वजह से आ रहा था, क्योंकि जो कचरा भर जा रहा था तो जो पानी का जो ड्रेनेज होता है उसका ओवरफ्लो हो जा रहा था देख सकते हैं। इसी की वजह से हम लोग इसकी डीपली सर्विस कर रहे हैं ताकि इसमें वाटर लीकेज ना हो और कोई कूलिंग का प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसके ट्रे वगैरह को क्लीन कर लेंगे, और इसका जो ब्लोअर होता है ये देख सकते हैं इसको भी हम लोग क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये घूमे और हवा का फ्लो अच्छी तरीके से दे। इसको भी डीपली सर्विस अच्छी तरीके से देख रहे हैं, पूरा हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है तभी डीपली सर्विस होता है देख सकते हैं। इसका जो कैबिनेट होता है उसको भी क्लीन करेंगे हम लोग, हर वो पार्ट्स जो होते हैं इसके अंदर लगे हुए हर एक चीज़ को क्लीन करना होता है तब जाके हमारा डीपली सर्विस होता है और जो कूलिंग का परफॉर्मेंस होता है अच्छी तरीके से हमारा एसी प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटडोर है, इसको भी अच्छी तरीके से हम लोग क्लीन करेंगे। इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ मिट्टी, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें जमी हुई है, इसको भी हम लोग क्लीन करेंगे। आउटडोर को इनडोर को अच्छी तरीके से हम लोग क्लीन करेंगे ताकि इसका लाइफ अच्छी तरीके से बन जाए एसी का, ताकि साल भर में इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ना वाटर लीकेज ना कूलिंग का प्रॉब्लम आए। देख सकते कितना ज़्यादा इसमें काला काला पानी सा निकल रहा है मिट्टी, आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें डस्ट था। इसी के वजह से इसमें कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था और वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसका हम लोग अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर रहे हैं देख सकते हैं। इसी तरीके से डीपली सर्विस आप भी करवा सकते हैं अगर आपके एसी में इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हमने क्लीनिंग कर दिया अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हर एक पार्ट्स को क्लीन करके सूखने के लिए रख दिए थे। ये इसका आउटडोर है, इसको भी हम लोग धो दिए हैं ताकि थोड़ी देर में ये सूख जाए, उसके बाद हम लोग इसको फिट करेंगे। देख सकते हैं इसका कैबिनेट है, ये कैबिनेट को भी हम लोग धो के रख दिए हैं, और इसका ये जो कॉइल होता है कूलिंग कॉइल वेपोरेटर, वेपोरेटर को भी अच्छी तरीके से सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। अब इसका जो फैन होता है जो इसका मोटर होता है ब्लोअर का, इसको हम लोग फिट कर रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग खोले थे उसी तरीके से फिर से इसको फिट करेंगे देख सकते हैं आप। और इसका जो ब्लोअर होता है इसको भी हम लोग घुमा के अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे ताकि इसका कोई कहीं से अटैच तो नहीं हो रहा, कहीं लड़ तो नहीं रहा है, कहीं टच वगैरह तो नहीं कर रहा, सारा कुछ देखना होता है। तो देख सकते हैं इसके ऊपर हम लोग कॉइल वगैरह सारा लगा दिए हैं और इसको फिट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फिर से इसको हैंग कर दिए हैं, और इस यहाँ पे पाइप अटैच करके ऊपर से वैक्यूम मशीन से फिर इसका वैक्यूम करना होता है, ताकि हमने अच्छा कूलिंग के लिए वैक्यूम बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग वैक्यूम वगैरह करके इसी एसी को फिर से चला दिए, और अच्छी तरीके से कूलिंग फेंक रहा है पूरा चिल्ड हवा देख सकते हैं आप।